subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? तो जल्दी से मेरे लवली स्टार्स और एंजल्स यहां पे जुड़ जाइए, अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज 2 अक्टूबर है और हमारे महात्मा गांधी जी का जो फादर ऑफ द नेशन है उनका आज जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन को उनको याद कर लेते हैं, उनको सेलिब्रेट कर लेते हैं। जो इंसान सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सिर्फ इन दो चीज़ों को लेकर पूरी दुनिया को हिला सकता है, आप लोग समझ सकते हो कि कितना कितना बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया होगा। गाइज, इतना आसान नहीं है। कोई आदमी आपसे पावरफुल है, आपसे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते, और फिर भी उस आदमी के साथ लड़ना और बिना किसी वेपन के लड़ना, ये कोई महान आत्मा ही कर सकती है। ठीक है, खैर मैं एक सोल्जर हूँ तो खैर हमें ये नॉन वायलेंस तो नहीं सिखाई जाती, लेकिन फिर भी कि जितना हो सके हमें नॉन वायलेंट वे से हमें काम करना चाहिए। ठीक है ना, ये मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि भाई नॉन वायलेंस का जो तरीका होता है वो एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर ही चला जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात तो है, क्योंकि पहले अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो ठीक है भाई दूसरा आगे कर दो, अगर दूसरे भी मारता तो फिर तीसरा तो वहीं है भाई, और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा होना चाहिए। वेल, तो अपने काम को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी जरा एक बार जल्दी से हमें कोड दिखाइए आज का, और महात्मा गांधी जी का ये कोट मैंने लिया है, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। आप लोगों को बिल्कुल भी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इन अ जेंटल वे आप इस दुनिया को, पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, और जीता जाता सबूत जो है आप लोगों के सामने ये है ही है। तो नमन है ऐसी महान आत्मा को। वेल, तो अड्डा 24/7 ने ये सोचा कि भले ही आज एक नेशनल हॉलीडे है, लेकिन आप बच्चों का रिदम जो है वो टूटना नहीं चाहिए, और ये आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल शामिल होगा। तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको खुद पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या नया सीखा है। वेल, तो कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 1 जरा बच्चों के सामने रख दिया जाए। ये देखिए जरा एक ये क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर मैं बात करूँ इस पर, 20 सेकंड्स का टाइमर मैं आपके सामने रखूंगा, जरा दिखा दीजिए जी। वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजंस वी वर नेवर श्योर ही टोटली अग्रीड। ही वेंट बिसाइड, है ना, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर कर सकते हैं। ही वेंट बिसाइड यानी कि पास्ट में गया हुआ है, तो जो पास्ट की फॉर्म होती है वो होता है गो, एक होता है वेंट, एक होता है गोन, है ना, V1, V2, V3। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजन, बिसाइड का मतलब होता है आपका बगल में, तो बगल में बाय द साइड ऑफ बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, वाइल ही वेंट बिसाइड विद आवर डिसीजंस, क्या आपको लगता है कि ये हो जाएगा? अगर मैं वो हमारे डिसीजन के साथ साथ नहीं, वो हमारे डिसीजन के साथ साथ चला, लेकिन हम जो है ये नेवर श्योर नहीं थे कि वो एग्री हो गया होगा, लेकिन फिर भी हमारे डिसीजन के साथ साथ वो चल पड़ा। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और मैंने जानबूझ के उठाया हुआ है ताकि मैं आपको ढंग से इसको समझा सकूं। देखो जरा, जो एक आपका फ्रेज होता है जिसको हम बोलते हैं गो अलोंग विद समबडी और समथिंग, ठीक है ना, ये होता है गो अलोंग। गो अलोंग का मतलब होता है टू सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ के साथ साथ चलना, ठीक है ना, हाँ, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की साइड लेना, गो अलोंग। तो गो अलोंग अगर ये आपका V1 होता है तो आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट अलोंग। तो यहाँ पर वेंट बिसाइड की जगह पे आप लोगों को करना चाहिए था क्या, यहाँ पर आप लोगों को वेंट बिसाइड की जगह करना चाहिए था वेंट अलोंग। ये आप लोगों का एक ब्लंडर यहाँ पे हो रखा था, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। गाइज, अगर आप लोगों अब ये करने के बाद, अब मुझे पता है जब आप एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे, उतना ही टाइम आपके पास होता है, और ये क्वेश्चन जब आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि आप लोगों ने ये ऑलरेडी कर रखा है। कुछ बुक्स में कुछ गलतियाँ हैं, मैं उन बुक्स का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर ठीक कर दूँगा। हमारा काम किसी को पॉइंट आउट करना नहीं है, हमारा काम अपने आप को सुधारना है। आप इसको ठीक कर लीजिए और हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जरा एक बार आंसर दिखाइए कंप्यूटर महोदय। ये आप आंसर आ गया इसका ए अल्फा, ठीक है भाई।
तो आंसर इसका हो गया ए अल्फा। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आप लोगों की आंखों के सामने अभी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर टू, द आफ्टर मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। जरा मुझे बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। कमन कमन कमन, जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि क्या ये इसका आंसर हो सकता है। द आफ्टर मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट थ्रू द विंडो। थ्रू द विंडो, फर्स्ट रे ऑफ लाइट आई थ्रू द विंडो। अगर मैं बोलूं तो आफ्टर मॉर्निंग क्या होता है यार, आप यहां पर आफ्टर मॉर्निंग की जगह पे अगर आप लिखते मैं बोलूं, अगर आप लिखते अर्ली मॉर्निंग, तो तब कोई अच्छा बनता कि नहीं बनता। द अर्ली मॉर्निंग शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ लाइट, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आफ्टर मॉर्निंग कोई सेंस नहीं देता। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर टू का आंसर भी आप लोगों का क्या बन गया, ए बन गया। तो कंप्यूटर महोदय जरा एक बार फटाफट इसको भी दिखा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया ए अल्फा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका फिलर्स। फिलर्स में आप लोगों को बताना है, देखो काफ़ी इसमें आप लोगों को मैं दो तीन वर्ड दे दूंगा, दो तीन तो वोकैबुलर्स हो जाएंगी और कुछ ग्रामर गन के पॉइंट हो जाएंगे। जरा बताइए, पहले आप लोगों का ये टाइमर चल रहा है, देखा मैंने बताया ना, आप लोग रिदम बना के रखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। रिदम अगर टूट जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो परसों कल जब हम मिलेंगे तो फिर आप लोग इसमें रिदम के साथ बने रहेंगे, और कल फिर मैं आप लोगों का टेस्ट जो है इसको कंटिन्यू रखूंगा। तो आप लोगों को यही काम है, बस जितना हो सके आप इसको शेयर कर दीजिए, बच्चों को बता दीजिए। एक फ्रेंड एटलीस्ट अपने 10 फ्रेंड्स को तो यहाँ पे लेके आए, वो ये आप लोगों को बताना है कि हम अड्डा 247 अड्डा 247 कैसे बेस्ट है, वो आप लोगों को बताना है बच्चों को। ठीक है गाइज, साइकोपैथ क्या होता है पहले तो ये बताओ। साइकोपैथ होता है पागल आदमी। अब आप लोगों ने सोचा होगा किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं सर, नहीं, साइकोपैथ क्या होता है, डॉक्टर नहीं होता, अ मैड पर्सन, एक पागल आदमी जो वॉयलेंट बिहेवियर करता है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो करता है उसको क्या बोलते हैं, साइकोपैथ बोलते हैं। गेट्स अ डैश सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल। कई बार होता है, इसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है ये परवर्स प्लेजर, एक वर्ड होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, देखो बड़े आराम से सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे फ्रेज होता है जिसको मैं बोलूँ, एक वर्ड होता है परवर्स प्लेजर का, एक तो प्लेजर होता है खुशी, परवर्स प्लेजर क्या होता है, परवर्स प्लेजर वो प्लेजर होता है दूसरे इंसान को दुख देकर, दूसरे इंसान को तकलीफ में देखकर, दूसरे इंसान को परेशानी में देखकर अगर आपको खुशी महसूस हो रही है, यू आर हैविंग परवर्स प्लेजर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं, परवर्स प्लेजर। तो क्या मैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं विकृत, मैंने हिंदी ढूंढी इसकी, मुझे लगा मैं क्या बच्चों को, कई वर्ड होते हैं डिफिकल्ट हो जाते हैं, टीचर के लिए भी वो डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसको बच्चों को समझाना है। भाई अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको खड़ा हूँ यहाँ पे और मैं आपको कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ तो फिर मेरा खड़ा होने का मतलब ही क्या है। यहाँ पे विकृत इसका मीनिंग होता है। अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा, तो ये बोल सकते हैं करप्ट, CORRUPT, ठीक है ना, करप्ट इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको करप्ट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो विकृत आप इसका हो गया करप्ट प्लेजर, परवर्स प्लेजर मतलब झूठा, किसी आदमी को परेशानी में देखकर आप लोगों को अगर परेशानी महसूस हो रही है, आप लोगों को अगर खुशी महसूस हो रही है, यू आर हैविंग परवर्स प्लेजर। तो साइकोपैथ जो होगा, पागल आदमी होगा, तो इसी तरह का भी उसको खुशी आएगा। साइकोपैथ गेट्स अ, क्या हो जाएगा, परवर्स सेंस ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम टॉर्चरिंग एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसका जो आंसर है वो क्या हो गया, ए अल्फा इज द आंसर। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर फोर जरा बच्चों के सामने। क्वेश्चन नंबर फोर जो है, When Jaspal got angry, he started to dash his feelings with his hands. जरा बताइए क्या हो सकता है, कमान जल्दी से बताइए। When Jaspal got angry, he started to dash his feelings with his hands. To participate, immolate का मतलब होता है burn, जला देना, immolate करना क्या होता है, जलाना। तो अपनी feelings को जलाएगा कैसे आदमी अपने हाथों से, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लो, intoxicate करना होता है नशे में होना, फीलिंग्स के साथ हाथों में नशे में कैसे हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। पार्टिसिपेट कैसे फीलिंग्स को करेगा, नहीं हो सकता। एक ही बच गया क्या, जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, टू यूज़ योर हैंड्स टू से समथिंग। जब मैं ऐसे बोलता हूँ, जब फीलिंग्स जब ऐसे बोलते हैं, देखो गुस्सा होते हो आप कभी तो आप कैसे बोलते हो, मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे, ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हो, देख लूँगा तुझे, आ जा तू एक बार, ये कर दूंगा तुझे, इस तरह से। तो उसने क्या किया, जेस्टिकुलेट किया।
जेस्टिकुलेट करने का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को अपने लिम्स के थ्रू दिखाना, अपने हाथों के थ्रू शो करना। जेस्चर से बना हुआ है यार, जेस्चर से बना हुआ है। जेस्टिकुलेट आपके वोकैब में, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है, अब जिंदगी में कभी गलत नहीं हो जाना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आता है तो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया आई थिंक डी डेल्टा। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिखा दीजिए। आंसर भी क्या आ गया, डी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि ये भाई सिनोनिम क्या है। सिनोनिम जरा बता दो फिर एक बार फटाफट इसको। सिनोनिम अगर आप देखेंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड। फॉसिलाइज, फॉसिल से बना हुआ है। फॉसिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, जीवाश्म जिसको आप बोलते हो। फॉसिल बनाना, इकट्ठा करके फॉसिल बनाना, जीवाश्म जिसको आप बोलते हो वो फॉसिल ही तो होता है, ठीक है ना। जीवाश्म जो आप लोगों का ये प्लांट और एनिमल होते हैं जो, उनको आप फॉसिलाइज करते हो उनको फॉसिल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इकट्ठा करने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक ही वर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड दैट वर्ड इज एमलगमेट, राइट। क्या वर्ड है वो, डिजोल्व करना हो गया आप लोगों का। डिजोल्व करना क्या होता है, ख़त्म कर देना। फ्लैक्स करना होता है बेंड करना, ये बेंड करना, टू बेंड, बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए फ्लैक्स की यूज़ होता है। लिक्विफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग लिक्विड, टू मेक लिक्विड, तरल बनाना, वो आपका क्या यूज होता है बेटे, लिक्विफाई करना। कितने सारे वर्ड हैं, अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या आप इन सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। मुझे ब्रह्मा जी नहीं आता बेटे बताने के लिए, मैं बार 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 लिख के देख के सारा दिन मैं यहाँ पे वर्ड्स ही पढ़ता रहता हूँ, तब जाके मुझे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है CPO की अगर मैं बात कर दूँ तो वो 250 नंबर का पेपर है। 250 मार्क्स, 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स, दे आर बेटर देन मिलियंस इन द स्काई। 250 मार्क्स आप लोगों को देखना है कि क्या आप लोगों को ये याद करना है कि नहीं। और अगर आपने 250 मार्क्स इंग्लिश प्रिपेयर कर ली, आप लोगों का CGL प्रिपेयर हो जाएगा, आप लोगों का स्टेनो प्रिपेयर हो जाएगा, आप लोगों का और कोई दूसरा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो फॉसिलाइज का मीनिंग क्या हो गया आपका, एमलगमेट करना हो गया। डिजोल्व नहीं कर सकते, फ्लैक्स नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। कंप्यूटर महोदय जरा आंसर बच्चों के सामने पेश किया जाए। आंसर आ गया इसका ए अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा देखेंगे। वेल, अगर मैं बात करूं डिपिक्ट के बारे में, डिपिक्ट का मतलब क्या होता है सर, दिखाना, शो करना। हाँ हाँ, कंसील इसका हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, यू कैन से तोड़ देना, मरोड़ देना, तोड़ देना, ट्विस्ट कर देना, डिस्टॉर्ट करने की होती है। करेक्टराइज करना इज ऑल्सो शो करना, ये आपका डिपिक्ट का ये बन गया आपका क्या, करेक्टराइज करना। ये C4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जरा एक बार दिखाएंगे बच्चों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है idiom और phrase के बारे में, gnash your teeth। क्या इसका मीनिंग हो जाएगा जरा मुझे बताइए। gnash your teeth दांत पीसने के लिए यूज होता है ना, gnash your teeth, gnash your teeth, brush your teeth, laugh hysterically बहुत गंदे तरीके से हंसना, take a big bite जैसे बर्गर खाते हो आप लोग, hippopotamus खाता है जिसको आ करके, तो express rage गुस्से जाहिर करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस योर रेज, टू नैश योर टीथ, है ना, वाई आर नैशिंग योर टीथ। क्वेश्चन नंबर 8 जरा दिखाएंगे कंप्यूटर महोदय, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। अच्छा वो उसका आंसर एक बार थोड़ा गलत हो गया, जरा एक बार दिखाएंगे पीछे वाला। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नैश योर टीथ का एक्सप्रेस रेज, ब्रश योर टीथ नहीं होगा। तो ये आप लोग इसको काट देंगे और ए आंसर को यहां पर मैं कर लेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे। लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन्स फिंगर्स, कुछ चीज छूट जाना किसी के फिंगर से, क्या इसका मीनिंग हो जाएगा। टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, किसी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देना किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा लेट समथिंग स्लिप थ्रू वन्स फिंगर्स, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। कंप्यूटर महोदय जल्दी से जरा आंसर एक बार फटाफट दिखा दीजिए बच्चों को। तो डी डेल्टा इसका आंसर है। चलिए स्लाइड हटा दीजिए। तो गाइज ये छोटा सा सेशन था आप लोगों का, आज का दिन का रिदम जो है वो टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोगों के लिए ये सेशन लाया गया है। कल फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ, कुछ अच्छे ग्रामर गन के साथ, कुछ अच्छे वोकैबुलर्स के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए क्या करना है, एंजॉय कीजिए, अपनी छुट्टी को एंजॉय कीजिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।